एचडीपीएससी ईगन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरे आपने छत्तीसगढ़ के वीडियोस देखे होंगे, आज से मैं आपको हिंदी के वीडियोस भी देने वाली हूँ। हिंदी लैंग्वेज को हम बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं और आप जैसा देख रहे होंगे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसको मैं पूरा एक एक करके डिस्क्राइब करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे वीडियोज़ आप कंटिन्यू करते रहें। CGPSC या फिर व्यापम के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें हिंदी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आपको 7 से 8 क्वेश्चंस या कुछ कुछ पेपर ऐसे रहते हैं जिसमें हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस भी हिंदी के पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हो और किसी के पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ईजी पड़ता है पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछूँगी, आप उसका रिप्लाई करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहोगे और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अक्सर ये होता है कि आप पेपर हॉल में जाते हो, आप पढ़ के सारे चीज़ चले जाते हो, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करें क्या करें, ये होता है। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़िए। हिंदी लैंग्वेज जो है इसमें जो जो टॉपिक्स हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक ऐसे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हिंदी भाषा का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएँ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद जैसे मेन्स का अगर देखें तो उसमें हिंदी भाषा के जो प्रकार हैं जैसे कि मानक हिंदी है या राष्ट्रभाषा है, जो भी उसमें कमिटी वगैरह बनी है, संविधान में इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम हिंदी भाषा की ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हिंदी वर्णमाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी वर्णमाला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसी में मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन उन लोगों के छूट जाते हैं, इसलिए मैं फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूँगी कि सब्जेक्ट इजी तो ज़रूर है, स्कोरिंग है, लेकिन हम इजी के चक्कर में भूल जाते हैं कि नहीं ये तो इजी है, हम तो कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये नहीं करो क्योंकि एक एक दो दो नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि माइनस मार्किंग कम हो गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी में जो व्याकरण का जो एरिया है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद अव्यव, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया है, क्रिया में उसके अंदर वाच्य वगैरह भी आता है, कभी कभी काल भी पूछ देता है, वो पढ़ेंगे। ये जो काल है मतलब बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें भी जाओगे डीप तो उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पूछते हैं और आपसे बनते भी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ी में भी इसका काल का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद शब्द रचना पढ़ेंगे, शब्द रचना में शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, उसी में ही आपको उपसर्ग प्रत्यय और फिर उसके बाद में संधि और समास के बारे में भी पढ़ेंगे। संधि समास को लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये ईजी है और रट्टा मारने में आसान है, हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ते हो या ये सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब चीज़ को पढ़ते हो तो आपको बहुत फायदा होगा संधि और समास को सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद हम अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ में शब्दों का अर्थ क्या है, ये सभी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एरो बना देती हूँ, जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समान उच्चरित शब्द हैं, मतलब जिसका उच्चारण जो है सेम रहता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो ये मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। व्यापम में भी पूछा जाता है पर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, इसका इसको पढ़ना है। उसके बाद रसछंद, अलंकार, PSC में थोड़ा इसका वेटेज कम है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इसका सिलेबस रहता है कि मतलब रसछंद अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर व्यापम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर क्या है। ठीक है, उसके बाद वाक्य रचना, ये जो वाक्य रचना है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
वाक्य रचना में वाक्यों के बारे में मतलब वाक्य दे दिया जाएगा और फिर ये वाक्य कौन से हैं, क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लगभग मैंने सारे पेपर में वाक्य रचना के बारे में देखा ही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंकित तो मैंने बता दिया, पर्यायवाची और सक्षम मैंने बता दिया। लास्ट में फिर आएगा वाक्य शुद्ध करना। वाक्य शुद्ध करना भी बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें भी ज़्यादा है इसका वेटेज। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ये भी मेंस का टॉपिक है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लास्ट में जो पत्र लेखन है मेंस का टॉपिक है ये भी ऐड करूंगी, ठीक है। पत्र लेखन मतलब मेंस में ज्यादा मतलब मेंस का तो है ही है टॉपिक पत्र लेखन, जो इसको भी मैं कवर कर दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो ये तो एक हो गया आपका कि एजेंडा हमें तैयार कर लिया कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो ये जो सेक्शन है मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम, समानोच्चरित और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो 6-7 टॉपिक हैं ये ऐसा चीज है कि मैं आपको उसको याद नहीं करा सकती कि हाँ चलो जलज का मतलब क्या होता है बोलो, ऐसा मैं आपको नहीं लिखवा सकती। आपको पढ़ना होगा और मैं आपको बताऊंगी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और फिर आप उसको बताइए, आप मुझे रिप्लाई करिए, हम ऐसे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि इतना सारा इसका कंटेंट है अपने आप में, मैंने हरदेवारी की बुक में ही देखा था कि पर्यायवाची तो करीब 2000 शब्दों के हैं, उससे ज़्यादा भी है। हालांकि मिले जुले ही हैं, एक शब्द का दूसरे शब्द में यूज हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार भी पढ़ते हो या ये वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारा है, बहुत ही सारा है, करीब 8-8-10 पेज है ये सारे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हो आज से अभी से तो आप बिल्कुल पहले ये सेक्शन करिए, आप डेली 10-10-20-20 याद करिए। अब जो लोगों के लिए हिंदी इजी है वो लोग तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको टाइम लगता है याद करने में। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इसका धीरे धीरे करके कछुए की चाल में इसको याद करिए, फिर देखना आपका धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ याद हो जाएगा और आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक एक दो दो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का कैसे उद्गम हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और फिर आगे इसका विकास कैसे होता गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हिंदी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ वो बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा भाषा के बारे में जानना जरूरी है। भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे इतनी सारी भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, इतनी विविधता है भाषाओं में बोलियों में, तो उसका विकास कैसे हुआ उसको भी थोड़ा जानना जरूरी है, तो वो शुरू करते हैं हम पहले, ठीक है। तो देखिए भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। भाष धातु का अर्थ होता है अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करना, ठीक है। तो भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करना। अब हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है और ये भाषा का विकास अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, या जो भी उसके मन में जो भी थॉट्स रहते हैं, जो भी उसको जरूरत रहती है, उसको व्यक्त करने के लिए ही वो भाषा का प्रयोग करता है। बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारे साहित्य के क्षेत्र में जितने भी जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया, उन्होंने भाषा के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे भारत में कितने सारे साहित्य के क्षेत्र में कार्य हुए, इतनी सारी रचनाएं हुई, तो उन्होंने ही भाषा के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी की, खोज की, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे, कौन सी भाषा पहले आई, कौन सी भाषा बाद में आई, तो उन्होंने भाषा का अपना अपना अलग अलग परिभाषा दिया
कि हाँ इसको भाषा कहेंगे इसको भाषा कहेंगे, तो उसमें से एक भाषा की परिभाषा ये है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग विचार दिए, भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी और उससे फिर कुछ निकला, कुछ एक्सट्रैक्ट निकला जो सभी में इक्वल था। ठीक है, तो वो है कि देखो सबसे पहले तो भाषा से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, भाषा के कुछ परिभाषाएं दी जाती है, उसकी कुछ विशेषता दी जाती है, फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है उसको टिक करिए करके, इस पीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो देखो भाषा जो है वो ध्वनि संकेत है। पहला, दूसरा, भाषा यादृच्छिक है और तीसरा, भाषा रूढ़ है। भाषा ध्वनि संकेत है, इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं, जैसा हम उच्चारण करते हैं, उसके हिसाब से भाषा बनी, भाषा का विकास हुआ और इसी में व्याकरण वगैरह ऐड होता गया। तो भाषा ध्वनि संकेत का अर्थ क्या है कि ये सार्थक है और जो हम उच्चारण करते हैं वही इसका अर्थ है, पहला। दूसरा, भाषा यादृच्छिक है। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब ये है कि जो शब्द और अर्थ दोनों का ज्यादा कुछ तर्क संगत संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम किसी भी जानवर का नाम जानते हैं कि घोड़ा है, इसको गधा बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो वो हम नहीं जानते कि उस पर्टिकुलर जानवर को ही वैसा क्यों बोलते हैं। गधे को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसा आवाज निकलता है शायद, इसलिए उसका नाम पड़ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शब्द और अर्थ दोनों में ज्यादा संबंध हो। ठीक है, थर्ड ये है कि भाषा रूढ़ है। रूढ़ का अर्थ ये होता है कि बहुत सारी चीजें हमें अपने पूर्वजों से जानने को मिली, वो लोग जैसा बोलते थे वैसा हम भी समझ गए। आज तक हम नहीं जानते हैं कि ठीक है मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हैं, माँ माँ शब्द के बारे में, मतलब माँ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उनको माँ ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते, ऐसा करके। ठीक है, तो भाषा का ये जो तीन विशेषता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब इतनी सारी जो भाषा की जो परिभाषाएं आई और लोगों ने अपने अलग 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 मत दिए, तो उसकी भी कुछ विशेषताएं थी जिसको आपको जानना जरूरी है, तो चलिए आप वो देखते हैं। तो भाषा की परिभाषा से जितने भी कंक्लूजन्स निकले उसको भी देख लेते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया था कि ध्वनि संकेत है और प्लस रूढ़ होते हैं और परंपरागत भी होते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों से वो हमें मिलता गया। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों और विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भी भाषा की परिभाषा है। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से ये भिन्न होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम क ऐसे लिखते हैं तो तेलुगु में कुछ और लिखते हैं, लेकिन उसके अर्थ कहीं ना कहीं मैच होते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि के जो संकेत हैं वो अलग अलग भी लिखे जाते हैं, हर भाषा की अलग अलग ध्वनि संकेत होती है। अब हम देखते हैं भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न रूपों में हमें नजर आती है। कोई भी भाषा कभी भी एक जैसी नहीं थी, वो हमेशा चेंज होती गई अपने आप में, शब्दों को, लिपियों को, लिंग, वचन, कारक सबको लेती गई और तब इसका परिष्कृत रूप बन पाया है। ठीक है, तो भाषा की जो प्रकृति है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो भाषा है वो सागर की तरह या नदियों की तरह हमेशा चंचल होकर के बहती रहती है। ठीक है, आगे चल के भाषा जो है वो मनुष्य के साथ एक सामाजिक शक्ति को ग्रहण कर लेती है, मनुष्य उसे एक सामाजिक शक्ति देता है। जैसे कि
किसी एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी भाषा की, जैसे बिहारी लोग की भाषा ले लेते हैं या भोजपुरी जो वो लोग बोलते हैं, भोजपुरी खैर एक बोली है, लेकिन अगर हम किसी भी भाषा की बात करते हैं, उड़िया भाषा को एग्जाम्पल ले लेते हैं, उड़िया भाषा जो थी वो पहले एक बोली थी, बोली के बाद उसका व्याकरण का रूप बना, व्याकरण गठित हुआ उसका, उसके बाद वो एक भाषा का रूप ले ली, भाषा होने के बाद वो एक ज्यादा शक्ति ग्रहण कर ली कि आज वो उड़ीसा की राजकीय भाषा बन चुकी है और संविधान में भी उसका जो हमारी जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं संविधान में उसमें भी उसको जगह मिल गई है। तो इस तरीके से वो क्या हो गई, उसको लोगों ने सामाजिक शक्ति दी, उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसके ऊपर साहित्यिक रचनाएं की, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया, इसलिए हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि भाषा को सामाजिक शक्ति प्राप्त होती है। ये हो गया। तीसरा, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है इसका लिखित रूप और दूसरा है इसका मौखिक रूप, ठीक है। लिखित रूप वो है जिसमें भाषा को जिस तरीके से लिखा जाता है, और मौखिक रूप वो है जिसमें भाषा को लिखा जाता है, जैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उसका व्यवहार किया जाता है। भाषा का लिखित रूप और मौखिक रूप दोनों ही सही होता है, मतलब जैसा उसे लिखा जाता है वैसे उसे बोला भी जाता है। अगर हम हिंदी का कंपेयर करें तो भाषा, हिंदी भाषा जो है वो जैसे लिखी जाती है वैसे बोली भी जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम बोलचाल की भाषा में त्रुटियां करते हैं, इस वजह से हमारी जो मौखिक भाषा है वो उतनी ज्यादा परिष्कृत नहीं होती है। लेकिन अगर हिंदी के साहित्य में अगर हम जाएं तो उसका लिखित रूप जो है वो बहुत ज्यादा परिष्कृत है, उच्चारणों में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि प्रत्येक जो भाषा है वो वाक्यों से बना है और वाक्य जो है वो शब्द से बने हैं, और शब्द जो है वो ध्वनि या वर्ण से बना है। ठीक है, तो ये हो गई भाषा की प्रकृति। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। तो देखिए, भाषा के रूप को जानने के लिए हमें जितनी भी अभी जानकारी है उसी में थोड़ी सी और कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो लोगों ने सांकेतिक भाषा का उपयोग किया, उसके बाद वो लोग थोड़ा बोलने लगे, इशारा जो है वो उनके शब्दों में कन्वर्ट होने लगा, उसके बाद वो लोग बात करना सीख गए। तो सबसे पहले लोगों ने कन्वर्जेशन के लिए जिस भाषा का उपयोग किया उसे कहते हैं बोली। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी बोली का उपयोग किया जाता है, बस्तर की तरफ हल्बी बोली का उपयोग किया जाता है, बस्तरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोग जो व्यवहार में या अपने समूह में या अपने समुदाय में या अपने घर में दोस्तों से, फ्रेंड से जिस बोली का व्यवहार करते हैं, जिस बोली से बात करते हैं, जिस भाषा से बात करते हैं, उसे ही बोली कहते हैं। बोली का सर्वप्रथम विकास होता है। सेकेंड आता है इसका परिष्कृत रूप। परिष्कृत भाषा, ठीक है। अभी वर्तमान में भारत में कम से कम 600 बोलियां बोली जाती है, और यही बोलियां आगे चल करके परिष्कृत भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। कोई भी बोली जब ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है और उसमें फिर साहित्यिक विकास होता है, जैसे उसका व्याकरण बनता है या फिर उसमें साहित्य की रचनाएं होती है, शासन में, प्रशासन में या फिर सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं उन सभी में भी अगर भाषा का या इस बोली का
यूज होने लगता है, मतलब समझ रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा से ज्यादा जब उसका उपयोग किया जाता है पढ़ने में, स्कूल के जो बुक्स हैं उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है, तो वह एक परिष्कृत भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे कि प्रेजेंट में अभी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में न्यूज आया था कि जो मंत्रालय है हमारा महानदी भवन, वहां पे स्पेशल टीचर ही लगाए गए थे। अब जितने भी लेटर्स वगैरह हैं वो सारे छत्तीसगढ़ी में टाइप होंगे, चाहे लीव लेटर हो चाहे कोई भी लेटर हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ी बोली को बढ़ावा दिया जाए और उसे भाषा में, जो हमारे जो राष्ट्र की जो भाषाएं हैं उसमें उसको जगह मिले, उसका स्थान मिले। ठीक है, अब हम ये तो जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ी की जो व्याकरण है वो बन चुकी है ना, तो बस इसमें हाँ इसमें साहित्यिक रचनाएं भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अगर हम इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो ये परिष्कृत भाषा का रूप ग्रहण कर लेगी। ठीक है, अब अगला है राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्र की भाषा। जैसे कि हमारे देश की भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चूंकि हिंदी का व्यवहार था, भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया। राष्ट्रभाषा कोई भी हो सकती है, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था तो अंग्रेजी उनकी राष्ट्रभाषा बन गई थी। अभी यहाँ पे हमारा मतलब भारत का शासन है, भारत के लोगों का शासन है, इस वजह से उन्होंने, भारतीय संविधान ने उन्हें शक्ति दी कि उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर ली। तो राष्ट्रभाषा की भी थोड़ी सी अपनी विशेषताएं हैं जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, चूंकि ये मेंस का टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रभाषा के बारे में लिखिए, राजभाषा के बारे में लिखिए। ठीक है, सेम छत्तीसगढ़ी में भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ी को घोषित किया जा चुका है राज्य की भाषा, तो उसमें भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। हम अभी सिर्फ भाषा के रूप के बारे में देखें कि भाषा तीन रूपों में जानी जाती है, पहला है बोली, सेकेंड है परिष्कृत भाषा और थर्ड है राष्ट्रभाषा या राज्य की भाषा। ठीक है, इसे लोगों ने अपनाया, लोगों ने इसे शक्ति प्रदान की और ज्यादा से ज्यादा इसको उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक जितना भी मैंने बताया वो सिर्फ भाषा के बारे में है, भाषा को लेकर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसी वजह से मैंने इसे बताना जरूरी समझा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो, पर इसके बाद आपको मजा आएगा। तो देखिए हिंदी भाषा का जो विकास है 3500 वर्ष पुराना है। क्यों? क्योंकि 3500 वर्ष पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। संस्कृत भाषा का जो इतिहास है वो 3500 वर्ष पुराना है। इसके नाम के पीछे या इसके ओरिजिन के पीछे अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया तो उनकी भाषा संस्कृत थी। कैसे पता चला? उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है जैसे कि ऋग्वेद है या ब्राह्मण साहित्य है या उपनिषद है, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। प्रारंभ में जो संस्कृत भाषा थी उसे देव भाषा भी कहा जाता था। ठीक है, इसे संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता था। तो इसके जो उद्गम की जो पीरियड है उसे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अच्छा इसमें इसे देव भाषा के अलावा आर्य भाषा भी कहा जाता था क्योंकि आर्यों के साथ इस भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा प्राचीन आर्य भाषा या इसे बोलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसका जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच है। सेकेंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये है 500 ईसा पूर्व से
1000 ईस्वी और थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक का समय है। तो अब ये जो पीरियड था इसमें कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ और कैसे वो हिंदी तक पहुंचा उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि केवल सीजीपीएससी की बात नहीं है, ना ही व्यापम की बात है, और भी भारत में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, या कभी कभी यूपीएससी में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी भाषा का विकास कौन से कालखंड में हुआ, किस समय हुआ, उसका पीरियड बताइए, उसकी लिपि बताइए, उस जो भाषा है या जो बोली है उसका मेन ओरिजिन क्या था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए सबसे पहले तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है वो अब अच्छा मैंने जो तीमा और जो काल बताए उसको टोटल पीरियड को अगर काउंट करते हैं तो 3500 वर्ष पुराना संस्कृत का इतिहास आएगा। ठीक है, अब देखिए प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी तो वो सबसे पहले शुरुआत हुआ संस्कृत का। अब इस संस्कृत को बोला जाता था वैदिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत है इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है, ये उस समय के ऋषि मुनियों की भाषा थी, ये बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, आगे चल के यही संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृत के रूप में बदल गया। इसमें भी ब्राह्मणों का ही आधिपत्य था ऐसा उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में भी बहुत सारी रचनाएं हुई, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे नाटक हुए, ये सभी लौकिक साहित्य में लिखे गए। इस समय तक लोगों के बोलने की भाषा अलग थी और साहित्यिक भाषा अलग थी। ठीक है, मतलब ये है कि लोग रचना किसी और भाषा में करते थे और बोलचाल की भाषा उनकी बहुत ही अलग थी। तो ये जो संस्कृत है उसका विकास वैदिक संस्कृत से, उसके बाद लौकिक संस्कृत से हुआ। तो इस सेक्शन में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा में लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी और वही बोलचाल की जो भाषा है वो आगे चेंज होने वाली थी। तो लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा थी उस समय प्राकृत के रूप में सामने आई। इसी वजह से प्राकृत को भारत की सबसे प्राचीन देव भाषा भी बोलते हैं, या फिर लोगों ने जो जिस भाषा का बोलचाल के रूप में उपयोग किया वही प्राकृत भाषा थी। बाद में प्राकृत का और भी रूप सामने आया। ठीक है, तो देखिये जो प्राकृत भाषा थी उसका विकास कब से कब तक हुआ, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो प्राकृत भाषा की अलग अलग अवस्थाएं थी। अब इतना लंबा पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में, तो उस समय भाषाओं का भी रूप बहुत ज्यादा चेंज हुआ होगा। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले तो आजादी के समय की जो भाषा थी और अभी की जो भाषा है वो तो कितनी ज्यादा अलग है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी का व्यवहार मध्य में अलग है, उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है, इधर पूर्व की तरफ लरिया बोलते हैं। तो वैसे ही अलग अलग ये हमेशा चेंज होते रहती है, लेकिन कभी भी इसे रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाषा सागर की तरह हमेशा बहती रहती है, उसे रोकने से उसको तोड़ के आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखियो प्राकृत जो भाषा थी उसकी अलग अलग अवस्था पाई गई,
लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे चेंज किया या वो खुद चेंज होते गई जैसे जैसे उसका रूप बदला, काल बदला। ठीक है, तो प्राकृत जो थी सबसे पहले पाली के रूप में आई, प्लस यहाँ पे एक शिलालेखी प्राकृत का भी उल्लेख मिलता है। पाली भाषा को आप सभी जानते हैं कि पाली भाषा जो थी वो भगवान बुद्ध की भाषा थी। उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए, उनके ग्रंथ भी पाली भाषा में हैं, और उस समय जो शिलालेख, उस काल के जो शिलालेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला, यही जो प्राकृत था इसके और भी अन्य प्राकृत हुए, मतलब बहुत सारी प्राकृत भाषाएं बनी उस समय। और फिर सबसे लास्ट में अपभ्रंश का उदय हुआ। वर्तमान की जो हिंदी है इसी अपभ्रंश की बाद की है, मतलब अपभ्रंश से ही हिंदी का उदय हुआ। ये जो अपभ्रंश भाषा थी वो अनेक भागों में बटी हुई थी। पहले तो ये बोली थी, बोली के बाद ये फिर परिष्कृत भाषा बन गई, आगे चल करके ये और भी अनेक रूपों में बढ़ती चली गई। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का विकास इसके बाद होने लगा और लगभग 1000 ईस्वी तक इस अपभ्रंश भाषा का विकास होता रहा। तो इसे 7 भागों में टोटल बांटा गया है, तो उसको अब हम देखते हैं।